नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया में, और मैं मनोज पंडित। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ खास। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आप किस तरह से ठंडे में नहा सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ठंडे में किस तरह से नहा सकते हैं, क्योंकि ठंडे में नहाना बहुत ही कठिन हो गया है। जिस तरह से ठंडी बढ़ रही है दोस्तों, देखते होंगे कि पानी किस तरह से हमारे शरीर को कील की तरह चुभता है जब नहाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आप पानी किस तरह से गर्म कर सकते हैं चुटकियों में और नहा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, मात्र दो ब्लेड के माध्यम से पानी गर्म कीजिए। कोई याक का जरूरी नहीं है, कोई माचिस की जरूरत नहीं है, कोई गैस की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं किस तरह से आप पानी को गर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आपको क्या क्या लगेंगे इसमें पानी को गर्म करने में। दोस्तों, दो ब्लेड और दो तार की आवश्यकता है, वो ज्यादा नहीं है, हाफ हाफ मीटर का तार से हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम दिखाते हैं अब कि आप किस तरह से पानी को गर्म कर सकते हैं चुटकियों में, वो भी बिजली से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों आपको देखिए, दो इस तरह से ओपन करके ब्लेड ले लेना है, इस तरह से दो ब्लेड। और दो ब्लेड लेने के बाद दोस्तों, आप किस तरह से वायर में इसे जोड़ेंगे वो हम अब बताने वाले हैं। तो चलिए वायर ले लेते हैं, और हमने यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का वायर है दोस्तों, जो आपके पास हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा वायर है, और बस इतना ही आवश्यकता है इसमें, और इतना से ही हम पानी गर्म कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे किस तरह से ब्लेड को वायर में स्विच करते हैं और पानी को गर्म करते हैं। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। सेव करने देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे तार को जोड़ लिया है, और जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे गांठ लगा दीजिए कि दोनों ये टच ना हो सके इस तरह से, और यहाँ पे कुछ लगा दीजिए, वैसे लगाने वाले आपके पास है तो यहाँ पे कुछ लगा दीजिए लकड़ी की, ताकि दोनों टच ना हो सके, और इस तरह से दोनों अलग अलग रहना चाहिए। तो चलिए अब हम इससे पानी को गर्म करके दिखाते हैं कि आप किस तरह से पानी को गर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पानी लेते हैं एक बाल्टी पे, और इसे गर्म करके दिखाते हैं। ये है छोटा बाल्टी, हमने यहाँ पे पानी ले लिया है, और याद रहे दोस्तों, प्लास्टिक का बाल्टी होना चाहिए, अगर प्लास्टिक का नहीं है तो परेशानी खड़ा हो सकता है। आप प्लास्टिक के बाल्टी का ही उपयोग करें, ताकि पानी गर्म हो सके, और स्टील का हो तो उसमें गर्म ना करें दोस्तों, क्योंकि वो गर्म नहीं होगा उस पे, और उस पे नुकसानदायक हो सकता है, उस पे ट्राई ना करें। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें गर्म कर सकते हैं। तो आपको इसे इसमें डुबा देना है इस तरह से, दोनों अलग अलग करके, और डुबाने के बाद दोस्तों इसे
पानी है।